अब हम मिलते हैं बेबी के साथ। अब बेबी आपसे अब जी बेबी अब मैं स्कूल की तरफ फिर आप भी बात जी फिर मैंने बेबी के साथ बात किया फिर सुन लिया बेबी के साथ। बेबी अगेन करो जी school key. I have so much fun school and I'm going to show you the school that I did. Today I was running with the friends and I did that. See? और क्या किया आपने स्कूल में? Run किया. I go faster. Friends बनाए आपने? Yeah. Who is your best friend? Girl. अच्छा जी फ्रेंड्स मैंने खाना खाया था, लंच किया था जो मामा ने दिया था। Was it yummy? Did you like it? Did you like your teacher? क्या कहा था टीचर ने? Good job. अच्छा जी, तो आप स्कूल से वापस क्यों नहीं आना चाह रही थी? बाय द वे आप ये क्यों कह रही थी कि मैंने स्कूल में ही रहना है? But Mama, I'm very sorry. I'm very sorry. मामा का रो रो के बुरा हाल था जो आप ने स्कूल में रहना था है? Very bad. Sorry. 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 अच्छा आपने कल स्कूल जाना है? Yeah. क्यों? Because. तो अभी सोएगा कौन? Baby. आयत नहीं सोएगी। बेबी आपकी स्कूल सुनाओ। मेरी स्कूल संडे से हो गया। From I was running with friends against dinosaurs. Baby or else? बेबी तो स्कूल ही नहीं गया। Baby you go to school. I want to take you to school in my school. I want to show you what happened to school. Tell them. Assalamualaikum friends, welcome back to Ayesha Ayat Canada vlogs. उम्मीद आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। जी आए मैं एक और नए ब्रांड न्यू एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर नए आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलें जी, आयत का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल जाने का तो आपने देख लिया। अब हम जा रहे हैं आयत को पिक करने। पहले मैंने सोचा था कि उसको वहाँ से डे केयर वाले पिक कर लेंगे, सो मैं शाम को ही उसको पिक करूँगी, लेकिन फिर मैंने कहा आज पहला दिन है और मैं घर से ही जॉब कर रही थी, सो मैंने कहा लेट्स गो एंड पिक हर अप ताकि उसको भी नज़र आए कि मामा लेने आई है। कल से उसकी अपनी डेली रूटीन स्टार्ट हो जाएगी, फिर मैं उसको डे केयर छोड़ा करूँगी और वही उसको स्कूल ड्रॉप करेंगे और फिर वही उसको पिक करेंगे एंड देन आई विल पिक हर बैक फ्रॉम द डे केयर। तो खैर जी चलते हैं जी। ये है आयत के स्कूल की बैक साइड और ये देखें जी ये बच्चे निकल के आ रहे हैं। ये आई गेस सीनियर किंडरगार्टन के बच्चे थे और जूनियर किंडरगार्टन जो है वो दूसरी साइड से आएंगे। आयत की क्लास इधर से निकलेगी बाहर। खैर जी आयत का वेट करते आयत बाहर आएगी, देखते हैं आज आयत कितनी एक्साइटेड है। शुरू में आपने उसकी कहानियाँ तो सुनी ली हैं जो मैंने उससे रात को आराम से जो है ना उसको शावर दिला के खाना खिला के, तो फिर उससे मैंने सारी रुदात सुनी थी और आप लोगों को भी सुनाई है। उम्मीद आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अब वो देखे जी अब आयत की क्लास आई है और वो देखे जी उनकी टीचर उन सबको लेके आ रही हैं। सो वो देखे जी मेरी बेटी आ गई, उसने आते साथ जो है ना मुझे देखा और शी वॉज़ रियली हैप्पी। अल्हम्दुलिल्लाह ना जाते हुए रोई है ना आते हुए रो रही थी, सो अल्लाह का शुक्र है। अब चलते हैं जी आयत को पिक करते हैं, आयत की क्लास टीचर से लेते हैं उसको, क्योंकि यहाँ क्या होता है कि यहाँ पे बच्चों को जो है ना किसी भी अननोन पर्सन को नहीं देते हैं। ये जिनका नाम लिखा हुआ होता है फॉर्म्स इन्होंने स्टार्ट में जब रजिस्ट्रेशन होती है बच्चों की तो साथ ही ये लोग फॉर्म्स फिल करवाते हैं। उन फॉर्म्स पे जिन जिन का नाम लिखा हुआ होता है वही बच्चे को पिक करने आ सकते हैं। सो मेरे केस में मैंने अपना लिखवाया हुआ था और दो जो हैं और नाम इमरजेंसी कॉन्टेक्ट्स देते हैं आप। अदरवाइज़ जो है उसके अलावा कोई बच्चे को पिक नहीं कर सकता। सो ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो, या जिस तरह ये डे केयर में जाएगी सो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो बच्चा किसी और, कोई और उनको आके पिक ना कर सके। सो दे हैव टू बी पिक्ड बाय द डेजिग्नेटेड पर्सन जिसने वो फॉर्म फिल करके दिया हुआ है। How was your day, Johnny? Yeah. Good. चलो बैठो। Mama, I want to show you my name. Let me show you. मेरा बेटा। Did you have fun? Look at me. जल्दी से आओ। चलें जी, ये तो था आयत का स्कूल का पहला दिन, उसके एक्सपीरियंसेस, वो सारी चीज़ें। सो कल की वीडियो में मैंने आपको कहा था कि हम अंकल आंटी की तरफ गए थे और वहाँ हमने देखा था जी एक सरप्राइज़। तो वो चलते हैं जी, सब आपको वो दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये घर तो देखें, ये रास्ता तो देखें, ये वो कहते हैं ना पगडंडी तो देखें। इतना को खूबसूरत एरिया है ना ये। लिटरली कभी कभार जब मेरा ड्राइव करने का दिल करता है ना तो मैं यहाँ पे आती हूँ। ये उसी पार्क के पास है जहाँ पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी नामघर की पिकनिक की, एल्डोरेडो पार्क। सो ये वही एरिया है, बड़ा खूबसूरत, बड़ा प्यारा एरिया है। बहुत खूबसूरत घर है यहाँ पे, जिनके हैं अल्लाह ताला उनको नसीब करे और हमें भी तौफीक दे कि हम भी इस टाइप के घर ले सकें इंशाल्लाह, आमीन। चलो इतने ना सही, छोटा मोटा तो एक होना चाहिए ना। खैर जी, अंकल आंटी घर चलते हैं और उनके इंडोर प्लांट्स आपको दिखाते हैं और ब्यूटीफुल सी जो उनका होम गार्डन है उसका व्यू आपको कराते हैं। अफ्रीकन मिल्क प्लांट, ये देखें जी, ये है अफ्रीकन मिल्क प्लांट। वाव, 6 फीट टॉल। लुक एट दिस। देखा आपने कितना प्यारा, और 6 फीट हाइट जो है ना उस पौधे की हाइट है। सो ऑब्वियसली इट्स आई कैचिंग। अब बस आप इनके इंडोर प्लांट्स देखते जाएं। एक आधा गमला तो मैं तोड़ भी चुकी हूँ अंकल आंटी का, अभी नहीं, काफ़ी अर्सा पहले, शायद अंकल को याद भी हो, आई थिंक कोविड के टाइम पे, जब कोविड चल रहा था उस टाइम पे। बट खैर कोई बात नहीं है, इस तरह तो होता होता है ना, कभी कभार हो जाता है। सो ये देखें जी, ये बाकी के प्लांट्स इतने प्यारे प्यारे यहाँ पे इन्होंने प्लांट्स रखे हुए हैं ना। लिटरली घर के अंदर आके वो कहते हैं ना प्लांट्स की वजह से वो फ्रेश आपको ऑक्सीजन मिलती है ना घर के अंदर, वो वाली फीलिंग आती है, लाइक एक लाइवलीनेस नज़र आती है। सो ये जी सबका फेवरेट मनी प्लांट है। एक और भी रहता है, वो हम अंकल की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं, वेट फॉर दैट। ये है जी मनी ट्री। इस पे मनी क्यों नहीं लगी, डॉलर लगे वैसे ही हमारे, वैसे ही हमारे लोगों को लगता है कि हम इसके ऊपर मनी लगी नहीं, वैसे ही हमारे लोगों को लगता है कि हम दरख्तों से उतारते यार है कि ना, हम यहीं से निकाल के तो ले जाते हैं। हाँ, शॉपिंग करने जाते हैं, शॉपिंग हम यहीं से जाते हैं। कॉस्को ले जाना होता है तो हम रात को जो है ना इसको पानी डालते हैं, सुबह मनी निकल आती है। आज अंकल कॉस्को की शॉपिंग करके आए, इसलिए ये खाली पड़ा हुआ। ये है जी अंकल आंटी का किचन गार्डन। सो इसमें अंकल आंटी ने लौकी भी लगाई हुई है, तोरी भी लगाई हुई है, पुदीना भी है, धनिया भी है, उसके बाद शिमला मिर्च भी लगी हुई है, क्यूकम्बर्स लगे हुए हैं, करेले लगे हुए हैं, जिनमें से मैं कोई चीज़ नहीं खाती सिवाय एक क्यूकम्बर के और शिमला मिर्च के, मैं बाकी कोई चीज़ नहीं खाती। टमाटर भी लगे हुए हैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। मेरे ख्याल से हरी मिर्चें भी हैं, आई एम नॉट टू श्योर, लेकिन किसी दिन आपको डिटेल विज़िट कराएंगे। लेकिन ये देखें जी, ये हैं यमी से करेले, इनको भी हम सेट करके आपको दिखाते हैं, प्रॉपरली सेट करके आपको इनका वो कहते हैं नज़ारा कराते हैं, आपको नज़ारा आ जाएगा आपको। तो ये देखें जी, ये हमने अंकल आंटी का फ्रिज खाली करके जो है ना आपके लिए प्रेजेंटेशन तैयार की है। बताइएगा ज़रूर प्रेजेंटेशन कैसी लगी आपको। और इसकी प्रेजेंटेशन की हाईलाइट जो है ना वो ये 2 फुट की लौकी है। ठीक है, ये अंकल ने मुझे दिखाया कि ये पिछले साल उनके घर पे करेले लगे थे जो 1 फुट का करेला है लिटरली। अभी भी ये जो बीच में पड़े हुए हैं थोड़े थोड़े लंबे ही हैं, इतने ही हैं कि लाइक तकरीबन 1.25 फुट के करेले तो ये भी हैं। लेकिन बकौल आंटी के करेले बहुत मज़े के बनते हैं, बट मैं करेले खाती नहीं हूँ। लेकिन लौकी का साइज़ चेक करें आप, इसकी हाइट चेक करें। अंकल कहते हैं ये 6 फुट की भी लगती होती हैं। पता नहीं जी, कभी दोबारा लगी तो फिर इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाएंगे। और टमाटर देखें, वो क्या कहते हैं, ओए टमाटर बड़े मज़ेदार, आह टमाटर बड़े मज़ेदार। सही, ये टमाटर बड़े मज़ेदार है वाकई जी। घर की सब्ज़ी से बेस्ट चीज़ और हो भी कह सकती है। करेले देखने में तो बहुत अच्छे हैं लेकिन मैं खाती नहीं हूँ। मैंने ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा करेले खाए हैं, वो भी चीनी डाल के। लेकिन डोंट जज मी, प्लीज़ डोंट जज मी, ओके। उस टाइम मैं आयत जितनी होती थी, आयत से थोड़ी सी बड़ी हुई होंगी, लेकिन मैंने चीनी डाल के करेले खाए थे, मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। उसके बाद मैंने ज़िंदगी में करेले नहीं बनाए। मेरी अम्मी कीमा भरे करेले बनाती होती थी, बड़े मज़े मज़े की चीज़ें बनाती थी, लेकिन मैंने कभी नहीं खाए। लेकिन देखने में ये कलर्स जो है ना बड़े फ्रेश फ्रेश लग रहे थे। ठीक है, वो अल्लाह जनसीब करे, मेरे चाचू जब पाकिस्तान गए ना तो हम किसी भी कपड़े की शॉप पे जाएं, ओके सर हम आपको फ़्रेश कपड़े निकाल के दिखाते हैं, फ़्रेश पीस निकाल के दिखाते हैं। चचा मेरे बड़ा हंसते होते थे कि ये फ़्रेश पीस क्या होता है, कपड़ों में फ़्रेश क्या होता है, ये कोई जूस है, ये कोई सब्ज़ी है जो फ़्रेश मिलेगी। मैंने कहा बस पाकिस्तान में सब कुछ चलता है। खैर जी, घर की शिमला मिर्च भी अंकल आंटी की बहुत मज़े की। उस दिन अंकल ने मुझे दी थी, एक आंटी ने, और वो मैंने ऑमलेट में डाल के खाई। आए हाय हाय, मैं कहनी है स्वाद ही आ गया था। ये देखें जी, ये कोई 2-3 साल पहले अंकल ने जो सब्ज़ी लगाई थी ये उसकी है। और ये आ गया है जी सरदार जी आलू। अंकल ने कहा था इसका नाम उन्होंने रखा है सरदार जी आलू क्योंकि इसके सर पे ऐसे लगता है कि इसने पग पहनी हुई है। और ये देखें जी, छोटे 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 किन्ने चुन्ने चुन्ने आलू यहाँ पड़े हुए हैं। सो ये खैर जी अंकल की हॉबी समझ लें, पैशन समझ लें। ये अंकल बहुत मज़े से जो है ना गार्डनिंग करते होते हैं। गर्मियों में अंकल का यही मशगला होता है। सो हमें भी मज़े मज़े की चीज़ें खाने को मिल जाती हैं। चलें जी, इसी के साथ हम आज के व्लॉग से आपसे इजाज़त लेते हैं। मुझे रायत को अपनी दुआ में याद रखिएगा। कीप सपोर्टिंग अस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, वी रियली नीड योर सपोर्ट। और जिन्होंने न्यूली ज्वाइन किया उनका थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, थैंक्स फॉर ऑल योर लव। आयत को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, लेकिन ना 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 जाइएगा नहीं, आयत का खुदा हाफिज़ सुन के जाइएगा, ओके। वो जितने मज़े से जो है ना आपसे बातें कर रही है वो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा, उसके बाद जाइएगा गाड़ी चेक करें। आए हाय हाय। चलें जी, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग। Maybe I'll be lost too. Alasses! You're jildy subscribe it, channel kare, like kare, share kare, comment bhi kare. See you tomorrow. Bye bye. Allah Hafiz. See you tomorrow. Alasses. Bye bye.